नमस्कार एफ एंड जंक्शन में आपका स्वागत है मैं हूं डिम्पिकाल रहा तो एक पूरा शो हमने डेडिकेटेड किया वायदा बाजार के ट्रेंडिंग शेयर्स को लेकर इंडेक्स की भी चर्चा करते हैं हम हर रोज मेहमानों को अपने साथ जोड़ते हैं और कोशिश ये करते हैं आपके सामने के चार पांच शेयर ऐसे रख दिए जाएं जिससे आपका प्रॉफिट और आपका ट्रेड बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए उसके अंदर इंडेक्स भी शामिल करते हैं पूरे एनालिस्ट को पूरी फ्रीडम होती है कि वो किसी भी शेयर को गिरा सकता है रिप्लेस कर सकता है और हमारे बताए हुए शेयर जो हमने कुछ ढूंढे हैं उसमें वो ट्रेड अगर मिलता है तो वो आपको लॉस टारगेट बता देगा खैर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे आज के मान अजीत मिश्रा हमारे साथ काफ़ी दिनों बाद जुड़े हैं उनसे भी चर्चा करेंगे हम आपको रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएंगे पुराने मेहमान का लेकिन उससे पहले सिप्ला को लेकर एक अहम खबर आ रही है और मेरे सहयोगी अनुराग जोशी भी इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनसे जरा करते हैं पहले बातचीत की खबर को समझ लेते हैं फिर हम इस कार्यक्रम को सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाएंगे अनुराग बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए मैं को ये बताइए के प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है पहले तो नाम आ रहा था ब्लैक का अभी कुछ और कंपनीज भी आई हैं कि बीच में एक जो हिस्सेदारी की खरीद की दौड़ में आगे हैं हाँ ये सही है हमारे सूत्रों के मुताबिक सूत्रों ने इटिन स्वदेश को बताया है कि कुल तीन ग्लोबल फंड्स हैं जो कि सिपला में प्रमोटर की एक्विटी स्टेक ख़रीदने के इच्छुक हैं यह है फंड्स ए जो कि यू का सॉब वेल्थ फंड आबुदाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ब्लैक भी है इसमें शामिल और एक और एशिया का फंड है बी पी ई ए, -ए, -ए क्यू टी आ, ये तीनों फ़ंड जो सिपला के प्रमोटर्स हैं हमीद परिवार उनके करीब चौंतीस प्रतिशत हिस्सेदारी ख़रीदने के आ, इच्छेदार हैं और इन ये फ़ंड अभी इन्होंने अब कंपनी में ये आ, हिस्सेदारी खरीदने के लिए कोई बिड नहीं डाला है लेकिन इसका वो प्लान कर रहे हैं और ये इर, शायद डाल सकते हैं आ, अभी आ, आगे जब ये डील आगे बढ़ेगी और आ, जब आ, 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 कुछ राउंड्स में आ, आगे जाएगी तब हमें ये पता चलेगा कि ये फ़ंड ये हिस्सेदारी के ख़रीदने के लिए कौन फ्रंट रनर है और कौन खरीद सकता है लेकिन अभी जो है ये बहुत ही प्रिलिमिनरी काइंड ऑफ प्ररी तरह का स्टेज है और जो भी फंड ये हिस्सेदारी खरीदता है उसे तो 26 प्रतिशत ओपन ऑफर करना पड़ेगा और जो कि 26 प्रतिशत और अधिक हिस्सेदारी बाद में खरीदनी पड़ेगी पब्लिक शेयर होल्डर्स से ओके okay, ठीक है अनुराग ये पूरी जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आप बता भी रहे हैं कि दो फंड और आ गए हैं यानी कि रेस अपने आप में गंभीर होती जा रही है 33 परसेंट प्रमोटर का हिस्सेदारी जिसको पूरा खरीदने के लिए ब्लैकस्टोन ऑलरेडी बोली में सबसे अव्वल नंबर पर आ चुका है बहुत शुक्रिया अनुराग ये खबर बताने के लिए आगे बढ़ते हैं इस बीच पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं कल के मेहमान यानी कि चंदन तापड़िया शुक्रवार को हमारे साथ जुड़े थे उनका रिपोर्ट कार्ड होगा फिर आज के मेहमान अजीत मिश्रा से करेंगे बातचीत बजाज ऑटो को बेचने की रिकमेंडेशन थी करीब दो परसेंट का गेंद वहाँ से आया होगा टेक महिंद्रा पे खरीदने की रिकमेंडेशन थी दो परसेंट का गेंद वहाँ पर कफोज के अंदर करीब डेढ़ परसेंट का गेंद आपको मिला होगा ये कुछ एक सिलेक्टेड शेयर हैं हम उनसे हमने बातचीत करने पर पता किए थे आपको ध्यान है कि हम चार शेयर तेजी का पता करते हैं चार शेयर मंदी का पता करते हैं और उसमें से भी दो चार शेयर कई बार गिर जाते हैं उसमें भी दो चार शेयरों में प्रेफरेंशियल ऑर्डर में पता लग जाता है कि इसको खरीदना है या इसको बेचना है ऐसे करके आप छटेंगे भी तो तीन से चार शेयर आपको मिल जाते हैं इस कार्यक्रम में जिसका अमूमन रिपोर्ट कार्ड हम कुछ कुछ ऐसा लेके आता है कई बार सारे के सारे शेयर हिट होते हैं कई बार इक्का दुक्का स्टॉप लॉस लगता है लेकिन सभी शेयरों में रिस्क और रिवॉर्ड वन इस टू टू का हम रखते हैं इसलिए अगर दो शेयरों के मुकाबले एक शेयर भी खराब होता है तब भी आपको कोई लॉस नहीं होगा इसको हमने स्ट्रक्चरली कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है खैर हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं अब हम आज के मेहमान से जरा चर्चा को शुरुआत करते हैं अजीत मिश्रा आज के हमारे मेहमान है रैली के सिक्योरिटी से, से पहले जरा इंडेक्स का व्यू पॉइंट उनसे लेते हैं अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए निफ्टी ना तो चल रहा है ना ही टूट रहा है ऐसा लग रहा है कि वो किसी ट्रिगर की वेट कर रहा है शायद उस पर तेज रिएक्शन देगा ओपन इंटरेस्ट अभी भी हाई है जो कि दो लाख शेयरों से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट का है और दूसरा इंडिया विक्स भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है यानी कि आज छः परसेंट और चला इसका मतलब ये सारे मसाले तैयार हैं बस डिश बनना बाकी है ये तेजी या मंदी किस तरफ की होगी सर गुड आफ्टरनून डिम्पी तो डिम्पी देखिए काफी लंबे टाइम बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि आ, पिछले करीब चार पांच महीने लगातार तेजी के बाद आप देख रहे हैं पिछले दो हफ्ते जहाँ पे गया प्रॉफिट टेकिंग का बायस मार्केट पे हावी है लास्ट uh, वीक तक बिगनिंग तक uh, जो डिक्लाइन का पेज था वो बहुत ग्रेजुअल था बीच में हमने देखा कि थोड़ा प्रेशर बढ़ा है और uh, दोबारा से यू you नो know, एक uh, uh, कोशिश हो रही है कि रिकवरी दिखाने की बट अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी डिमपी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है Uh, कि पिछले चार महीनों से जो कि आप 20 दिन के एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड करते हुए आ रहे थे आप उसके नीचे स्लिप हुए हैं बहुत लंबे टाइम बाद साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं आप बॉटम से अपने प्रीवियस स्विंग लोस को मैच करते हुए आपने उसको भी ब्रीच कर दिया है तो इंडिकेशन तो ये है कि अब जो मोमेंटम था मार्केट में पिछले करीब चार पाँच महीनों से वो अब थोड़ा सा फेड आउट हो गया है अब यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन का टोन एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन रेंज बनते हुए मार्केट में दिख सकती है आ, बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्योंकि जैसे आपने अभी यू नो शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे स्लेप हुए हैं तो उसको रीक्लेम करने के अटेम्पट हो रहे हैं पिछले दो दिनों में आपने देखा होगा कि बार बार करीब उन्नीस पाँच सौ पाँच सौ पचास के जोन के पास आना और उसके बाद फिर एक रिजस्टमेंट आ जाना तो जब तक वो नहीं रिक्लेम होता है मेरे हिसाब से एक रिबाउंड का अटेम्प भी शायद सक्सेस ना हो रिबाउंड के केस में उन्नीस पचास पहला हर्ड होगा उसके ऊपर आप निकलते हैं थोड़ा स्टेबिलिटी बनेगी बाजार में फिर करीब आठ तक के लेवल्स होंगे अभी तक 19300 मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि प्रीवियस एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ था काफी टाइम पहले 19300 19550 में तो उसका लोअर बैंड को रिस्पेक्ट कर रहा है अभी तो वो जब तक अभी होल्ड कर रहा है तब तो तक एक यू you नो know, रहेगा एक कि दोबारा सेडमिट करेगा मार्केट एक रिकवरी का जो कि हम देख रहे हैं फ्राइडे से लेकर आज तक के सेशन में बट उतना डिसनेस नहीं है कंसीडरिंग कि बैंकिंग बैकफुट पे बैंकिंग में जिस तरीके से अंडर परफॉर्मेंस चल रही है 44500 का जोन बैंकिंग में क्रिटिकल था जिसको आपने पेनिट्रेट किया क्लोज नहीं किया बट आपने पेनिट्रेट किया इंट्राडे में और वहीं पे आप होवर कर रहे हैं तो उन्नीस तीन सौ ये दो मेरे हिसाब से क्रिटिकल लेवल्स रहेंगे अगर निफ्टी को कोई एक मीनिंगफुल रिकवरी देखनी है तो बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक रही है इंडेक्स में भी क्लैरिटी नहीं है अगर आप कर दिन मतलब यू you नो know, एक या दो दिन के अगर प्रस्पेक्टिव से आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए वेट करिए पोजिशनली जैसे बताया उन्नीस और चौवालीस पांच ये क्रिटिकल लेवल्स रहेंगे ओके ठीक है अभी होल्ड की रिकमेंडेशन है यानी कि अगर आपने देखिए हमने आपको शुरुआत में भी कहा था कि जो अगस्त का महीना है ना ये दोनों के लिए है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ तेज़ी वालों के हर मंथ चलता रहेगा अब आपको मंदी वालों के लिए भी अच्छे दिन आ सकते हैं उन्नीस आठ से टूटने के बाद उन्नीस तीन हमने दो बार टेस्ट किया हुआ है मैं एक चार्ट आपको दिखाता हूँ हमने आर्ली बेसिस पर ड्रॉ किया यानी कि हर एक घंटे की एक कैंडल है उसमें काफ़ी हद तक आपको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पता लग जाएगा एग्जाम्पल के लिए तीन से चार दिन के लिए आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं सर के लेवल्स को भी याद रखिएगा जो भी आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं साढ़े आठ सौ तीन सौ है ना और मैं इसका भी मतलब भी आपको बताऊंगा आप ये चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने एक 200 दिनों की एवरेज ड्रॉ की हुई है बिल्कुल क्लीन चार्ट है कुछ हमने और नहीं डाला सिर्फ एक 200 दिनों की एवरेज डाली हुई है ये एवरेज पहली बार जब ब्रेक हुई थी तो अप्रैल मंथ में हुई थी यहाँ पर हमने मार्क किया हुआ उसके बाद कभी भी हम इस लाइन के नीचे नहीं गए दो मैं तेईस की बात बोल रहा हूँ अप्रैल मंथ की यानी कि तीसरे महीने की चौथे महीने की अभी हम आठवें महीने में तो चार महीने तक हम नॉन स्टॉप चले पहली बार ऐसा मौका आया कि हमने इस बार दो सौ दिनों के एवरेज को ब्रेक किया अभी स्ट्रगल चल रहा है इस एवरेज पे ऊपर से डाउनवर्ड स्लोपिंग है यानी कि जब तक ब्रेकआउट नहीं होता आपको बड़े लेवल्स नहीं मिलेंगे ये लेवल्स कौन से हैं ये लेवल्स करीब साढ़े छः सौ के लेवल हैं अब आप इसको नोटिस कीजिएगा साढ़े छः सौ पे खड़े होने पर करीब करीब छः सौ पे खड़े होने पर तीन सौ पॉइंट आपको नीचे का स्टॉप लॉस है उन्नीस तीन सौ जो इस बॉक्स का भी लोअर एंड है और अगर हम चले गए तो वापस हाइयर एंड पे चले जाएंगे जो कि करीब बीस हज़ार के आसपास बनते हैं यानी कि तीन सौ पॉइंट और आपको मिलेंगे तो आप वही तीन सौ चार सौ पॉइंट की गेम खेल सकते हैं बट कहीं ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होना जरूरी है रही बात सर ने भी बैंक निफ्टी के बारे में बोली थी मैं एक मिनट के लिए बस निफ्टी बैंक को आपके सामने और चार्ट के ही ज़रिए ले आऊँगा ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों निफ्टी बैंक के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं और सर ने भी आपको बताया क्योंकि यहाँ से पावर नहीं आ रही है एक मिनट के लिए जरा निफ्टी बैंक को लेके आइए फिर से हमने वही चार्ट को ड्रॉ किया बहुत ही सिंपल है इसमें उन्हें सिर्फ 200 दिनों की एवरेज डाली हुई है और कुछ भी नहीं आप देख रहे होंगे ये भी अप्रैल के अंदर ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद पहली बार ऐसा मौका फिर से आ रहा है ये नीचे है अभी आपने नोटिस किया होगा निफ्टी के चार्ट का वो इस लाइन के बार बार ऊपर पहुंच रहा है बट बैंक निफ्टी एक बार भी जब से इस लाइन को ब्रेक किया है एक बार भी ऊपर नहीं आया इसलिए बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है इसलिए बैंक निफ्टी जब तक इस लाइन के ऊपर नहीं जाता यानी कि पैंतालीस पे हज़ार पैंतालीस हज़ार दो सौ तीन सौ की रेंज को पार करता नहीं डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस पर दो चार दिन तब तक बाजार चलेगा नहीं मुश्किल रहेगी इंडाइसिस को लेकर क्लियर हो गया आपके सामने अब हम जरा स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे तो पहले ताजा खरीदारी वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर आएंगे आपको ध्यानों का दो तीन दिन पहले हमने डिविस स्लैब सुबह एफ एंडो के कार्यक्रम में आपको दिया था सुबह आठ बजे ना हमारे साथ जरूर जुड़ा कीजिए हम आपको दो शेयर देते हैं वो दोनों शेयर ऐसे होते हैं जो गहन रिसर्च और पूरे मार्केट के लेखा जोखा करके हम लेके आते हैं और आप देखते होंगे दिन भर में या एक से दो दिन के बाद उन शेयर के बारे में सभी लोग अमूमन चर्चा कर रहे होते हैं उसमें से डिविस लैब एक था सौ रुपए का गेन हुआ आपको कुल मिला जब हमने आपको बताया था तो कम से कम सैंतीस सौ के आसपास का होगा अभी अड़तीस पचास आ चुका है अजीत सर एक बार दोनों शेयर्स को चेक कर लेना एक तो डिविस लैब दूसरा पी इंडस्ट्रीज तो देखिए सेक्टर वाइज अगर बात करें तो लास्ट वीक दो सेक्टर है से जिन्होंने की मार्केट को इन्होंने डैमेज को कैप करने में हेल्प किया था एक था आईटी दूसरा था फार्मा तो यहाँ पे तो डेफिनेटली अभी भी मेरे हिसाब से पॉजिटिव व्यू ही है और स्टॉक स्पेसिफिक जैसे कि अभी भी हम देख रहे हैं तो बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है डिवेज में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है एक कंसोलिडेशन था ऑलमोस्ट करीब महीना भर आपने इस कंसोलिडेशन रेंज में इसको ट्रेड होते हुए देखा जहां सैंतीस सौ साठ सैतीस सौ पचास ऊपर नीचे करीब छत्तीस तो सौ इस ब्रेकआउट के बाद ये ये है कि प्रीवियस स्विंग हाई करीब एंटीसिपेशन की चार हजार के लेवल्स टेस्ट कर सकता है डेफिनेटली पे आप लोग पोजिशन बना सकते हैं आपका स्टॉप लॉस करीब थर्टी सिक्स थर्टी सेवन सिक्सटी अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर चले क्योंकि मार्केट में वॉलिटिलिटी है वो रहेगा और पीआई इंडस्ट्रीज यहाँ पे भी देखिए एक यू नो ग्रेजुअल रिकवरी है एक डिप के बाद अपने रिकॉर्ड हाई स्कोर डिटेस्ट करने के बाद बट यहाँ पे मुझे रिस्ट रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं दिख रहा है कंसिडरिंग की थर्टी एट हंड्रेड थर्टी एट फिफ्टी के अराउंड पे काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है और मेरा सपोर्ट करीब थर्टी सिक्स फिफ्टी के पास है तो रिस्ट रिवॉर्ड वन इस टू वन का है तो इन दोनों में से अगर कहें तो डिविज लैब एक बेटर कैंडिडेट होगा फ्रेश लॉन्ग के लिए ठीक है पीआई इंडस्ट्रीज़ कम छोड़ देते हैं इन स्पाइट ऑफ तो दिस की पी इंडस्ट्रीज कम चला हुआ है आपका रिस्क रोड ज़्यादा अच्छा हो सकता था बट शेयर में पावर तो हो चलने की कैपेसिटी तो हो डि स्लैब ढाई परसेंट डर पर है लेकिन फिर भी उसके अंदर ट्रेड मिल गया चार हज़ार तक का सैंतीस सौ साठ आपका स्टॉप लॉस रखना होगा एक डिवी स्लैब का चार्ट भी हमने स्क्रीन पर ड्रॉ किया हुआ है ये दो तीन दिन पहले ही हमने आपको नोटिस कराया था कि एक लंबे अंतराल के बाद ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला कंसेप्ट है इसका पूरा हुआ और वो पूरा कहाँ पे हुआ एक स्ट्रॉन्ग बेस पे जाके पूरा हुआ इसको हम डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं इसको हम बेस कहते हैं यहाँ से ये चलना शुरू हुआ 200 दिनों की एवरेज पार करने पर हम बार बार 200 दिनों के एवरेज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस समय इन्वेस्टर्स का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स तो अलग तरीके से सोचे ये जब तक दो दिनों के एवरेज ने जैसे ही ब्रेकआउट किया उसके बाद से कभी भी इसने नीचे नहीं देखा ये तैंतीस सौ तैंतीस सौ के ऊपर के लेवल्स हैं अब आपको नए लेवल्स 4000 मिल रहे हैं कि जितना डाउनफॉल आएगा उसका 33% परसेंट देन 50 परसेंट देन उसका 80 परसेंट देन 100 परसेंट की रिकवरी में ये खपेगा शेयर तो ये डीवी स्लैब के बारे में आपके सामने व्यू आ गया उससे पहले एक काम करते हैं अजीत सर से पहले फटाफट से ट्रेडिंग कॉल ले लेते हैं ताकि वो मिस ना हो ज़्यादा जरूरी है अजीत सर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स तो डिम्पी देखिए जैसे कि हम बात कर रहे थे कि फार्मा एज अ सेक्टर यहाँ पे स्ट्रेंथ अभी भी नजर आ रही है तो डेफिनेटली ये फोकस में होना चाहिए सन फार्मा एनी टॉप परफॉर्मिंग नामों में से एक है और ऑफलेटिक कंसॉलिडेशन भी देखने को मिला है रिकॉर्ड हाइज पे मुझे लगता है कि मोमेंटम कैरी रहेगा तो ग्यारह के स्टॉप के साथ करीब ग्यारह तक के टारगेट्स के लिए इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं वहीं पर एक शॉर्टिंग रिकमेंडेशन होगी टाइटन की जहाँ पे की प्रॉफिट टेकिंग ऑलमोस्ट एक महीने से चल रही है रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद और अभी भी लग रहा है कि जैसे कि ये प्रेशर थोड़ा सा कंटिन्यू रहने के

बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और दूसरा नवीन फ्लोरो है कहीं पे कोई ट्रेड है तो बता दीजिए देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज डिम्पी एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग है 2600 अपने रिकॉर्ड हाई को रिटेस्ट करने के बाद एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से 2300 2350 के लेवल्स डेफिनेटली पॉसिबल हैं बट यहां पे मैं बाइंग के लिए देखूंगा इंसटेड ऑफ गोइंग शॉर्ट नवीन फ्लोरीन यहाँ पे भी मुझे लगता है कि रेंज बाउंडी रहेगा डिम्पी बिकॉज छियालीस पचास से लेकर बयालीसौ की ये बैंड को इसने पकड़ा हुआ है और फ्लेट काफी शार्प मूव देखने को मिला था बयालीस सौ छियालीस सौ आप एक या दो दिन के अंदर ही दिखा दिए थे अब दोबारा से एक रिट्रेसमेंट हो रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको स्ट्रगल ही नजर आएगा फोर्टी एक सपोर्ट एरिया है उसके नीचे अगर जाएंगे तब शायद शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी उससे पहले नहीं ठीक है अजी सर बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच आज ट्रेड हम थोड़ा कम लेके जा रहे हैं क्योंकि मार्केट अभी चर्न ही कर रहा है एक रेंज के अंदर है उस रेंज के अंदर जो स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में चर्चा हुई है सिर्फ आप उसी पे ध्यान रखिएगा टाइटन की पुट है सन फार्मा आपके लिए प्लस है डिविस लैब का एक सौदा हमने आपके लिए कन्वर्ट किया है आप ये कुछ सेलेक्टिव ट्रेड ही सिर्फ देखिएगा कल इसी का ही रिपोर्ट कार्ड हम लेके आएंगे इंडिया सीमेंट के नंबर आगे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए नीचे मिलेंगे एम एंड एम की मैनेजमेंट से हमने बातचीत की है आइए मनोज भट जी को फटाफट से जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या करना चाहिए इस समय और मैनेजमेंट को लेकर उनका व्यू मैनेजमेंट का जो व्यू पॉइंट है वो क्या है मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच पहले ई व्हीकल्स के बारे में जानना चाहता हूँ कुछ फंड आपने रेस किया है आपका ई व्हीकल्स का प्लान क्या है शो uh, so अगर uh, जो आपके सवाल है ईवी के बारे में आई थिंक हमने जो ईवी स्ट्रेटजी आर्टिकुलेट की थी लॉन्च uh, uh, हम uh, करेंगे हमारी नई प्लेटफॉर्म बन रही है उस पे है विच इज सपोर्टेड बाई आर ओन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कॉल्ड इनग्लो सो सो ओवरऑल दैट्स वी आर वेरी मच ऑन ट्रैक्ट जो प्रोग्राम उस, उस, uh, में uh, उसमें हम इस बार uh, टेमासक ने भी इन्वेस्ट किया है तो हमने एक नई कंपनी क्रिएट की है महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबिल तो उसमें अब टेमासक भी शेयर होल्डर हो, हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो आ, अगर ओवरऑल ईवी स्ट्रेटेजी देखे तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है अबाउट टेन थाउजेंड क्रोर है अपटू एफ ट्वेंटी सेवन एंड दैट्स वॉट वी आर प्रोग्रेसिंग ऑन वेरी वेल जो हमारे जो मॉडल्स है वो तो well. हमने आउटलाइन किए थे कि सारे एस यू भी मॉडल्स होंगे Uh, जो डिस्टिंगटिव uh, जो महिंद्रा लुक एंड स्टाइल एंड फील है uh, उन सब मॉडल में वो हमने बिल्ड करने की कोशिश की है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट भी ईवी uh, की तरफ मूव होगा जो अब अब जो मार्केट शेयर है वो बिटवीन टू एंड थ्री परसेंट है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एफ ट्वेंटी सेवन में ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट ऑफ द मार्केट वुड बी ईवी एंड उसके लिए हम पोजिशन कर रहे हैं सारे हमारे लॉन्चेस और सारे हमारी स्ट्रेटेजी उस तरफ गियर्ड है

थारो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें आ, एक छोटी पोजिशन लेनी पड़ेगी एंड वेरी गुड इट इज बीन क्लीन अप तो उस हिसाब से हमने ये स्टेक ली थी uh, अभी जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो हमने क्लैरिफाई भी किया है कि नेक्स्ट टू टू थ्री इय मे बी मोर वी विल लुक एट अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मोर हम ठीक कहां... है मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच अच्छे से आपने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी कुछ और मामलों पर हम आपसे और क्लैरिफिकेशन भी ले लेंगे बहुत शुक्रिया सर थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए फिलहाल इस कार्यक्रम से बीतते हैं नमस्कार